विराट रोहित के बीच चल रही है लड़ाई, क्या रोहित करना चाहते हैं कोहली की टीम से विदाई। वर्ल्ड कप से पहले बुरी खबर आई, रोहित और कोहली के बीच में भीषण लड़ाई। गौरतलब है कि भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच ओडीआई सीरीज जारी है। ओडीआई सीरीज के दूसरे मुकाबले में काफी फेरबदल देखने को मिले। इसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या इस टीम की कप्तानी संभाल रहे थे। लेकिन अब इसी बीच ट्विटर पर एक जंग छिड़ गई है। जंग ये है कि क्या रोहित शर्मा सच में विराट कोहली की टीम से विदाई करना चाहते हैं, क्या रोहित शर्मा नहीं चाहते कि विराट कोहली आगे के मैच खेलें, आखिर पूरा मामला क्या है आपको वो भी बताते हैं। दरअसल भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच जारी ओडीआई सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया बहुत बुरी तरीके से हार गई थी। आपको बताते पहले मुकाबले में भी जो फेरबदल देखने को मिले उसने कहीं ना कहीं सबको चौंकाया था, क्योंकि नंबर 7 पर खुद बैटिंग करने कप्तान रोहित शर्मा आते हैं, वहीं विराट कोहली पैड पहनकर बैठे रहते हैं लेकिन उन्हें बैटिंग करने को नहीं भेजा जाता। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि रोहित शर्मा नहीं चाहते कि विराट कोहली खेलें, लेकिन वेस्टइंडीज के दर्शक और तमाम जो पूरे क्रिकेट प्रेमी हैं वो चाहते हैं कि विराट कोहली मैदान पर खेलते हुए नजर आए, क्योंकि विराट कोहली एक बहुत बढ़िया प्लेयर माने जाते हैं। ऐसे में अभी ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि विराट कोहली की सच में टीम इंडिया से विदाई होने वाली है, क्योंकि आपको बता दें सेकेंड ओडीआई मैच में भी उन्हें नहीं खिलाएगा। भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच 3 ओडीआई मैचों की सीरीज है, उसके बाद विराट कोहली को भारत वापसी आना है, क्योंकि T20 सीरीज के लिए उनका नाम ही नहीं है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि किंग कोहली की सच में विदाई होने है, क्योंकि आपको बता दें भारत में इस साल वर्ल्ड कप होना है। वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम पूरी तरीके से तैयारी करेगी कि अपने बढ़िया बैट्समैन सेट कर लीजिए, लेकिन टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर एकदम सुस्त दिखाई दे रहा है। पहले मैच में छोटे से लक्ष्य का हासिल करने में टीम इंडिया के पसीने छूट गए, वहीं दूसरे ओडीआई में जब रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेल रहे थे तो टीम इंडिया मात्र 180 रन ही बना पाई, जिसने कहीं ना कहीं सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि टीम इंडिया एक मजबूत बैटिंग ऑर्डर वाली टीम मानी जाती है। ऐसे में वो टीम मात्र 180 रन पे, मतलब 50 ओवर भी वे पूरी तरीके से नहीं खेल पाए। क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के गैर मौजूदगी में टीम इंडिया बढ़िया नहीं कर सकती? क्या रोहित शर्मा ही चाहते हैं कि विराट कोहली की टीम इंडिया से विदाई हो जाए? आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि फैंस तो लगातार उन्हें ट्रॉल करते हुए नजर आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी राय दे सकते हैं। स्पोर्ट्स के हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें DNP स्पोर्ट्स।